नमस्कार साथियों, मैं विकास कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं साथियों क्लास 11 के साथियों चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज के साथियों 6.1 क्वेश्चन नंबर साथियों 13। साथियों और इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, आइए साथियों हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों क्या दिया गया है, देखिए 2 दिया गया है, 2 ब्रैकेट में दिया गया है, 2x + 3 साथियों -10 दिया गया साथियों, और क्या दिया गया है 6x - 2 साथियों। सबसे पहले हम साथियों इसमें क्या कर सकते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 2 2 क्या हो जाएगा साथियों 4x, क्या हो जाएगा साथियों 4x + 2 3 6 साथियों, माइनस का 10 का 10 रहेगा साथियों, और जो 6 2 6 से x मल्टीप्लाई किया जाएगा 6x, और जो करिए तो माइनस का साथियों 12 हो चुका है। ठीक है साथियों आइए हम देखते हैं साथियों, अब आप देखते हैं हम इसमें साथियों देखिए 4x दिया गया है, 4x + 6 साथियों, 4x + 6 माइनस 10 दिया गया साथियों। ठीक है अब हम क्या करते हैं, इस 4x को इधर ले आते हैं। ठीक है साथियों तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस का 4x, क्योंकि साथियों जो x की वैल्यू होती है हमें वो पॉजिटिव में चाहिए होती है। ठीक है साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया साथियों 6 माइनस 10, और ये साथियों माइनस का इधर आ गया ये प्लस का 12। ठीक है साथियों इसका सॉल्व करने पर क्या साथियों 2x क्या आगे साथियों 2x। ठीक है साथियों इसमें से 4 गए 2x। ठीक साथियों अब देखिए 6 और 12 हमने प्लस कर दिया, क्या होगा साथियों 18, 18 में से हमने 10 माइनस कर दिया, क्या बचा साथियों 8x, क्या बचा साथियों 8x, वेरी वेरी गुड साथियों 8x बचा साथियों। अब देखिए साथियों अब यहां पे क्या रहेगा, ये x पे x था साथियों, यहां पे क्या जाएगा 8/2 साथियों। ठीक है तो यहां पे क्या आ गया x के आगे साथियों 4 आ चुका है, क्या आ चुका साथियों 4 आ चुका है। ठीक है साथियों यहां तक हमने 90% सॉल्व कर लिया। ठीक है साथियों कितने परसेंट 90%। ठीक है साथियों अब आइए हम देखते हैं अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 दिया गया है। ठीक है साथियों मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए नंबर लाइन पे यहां पे ग्रिड बनाता हूं। ठीक है साथियों ये दिया गया 0 1 2 3 4 5, यहां पे साथियों क्या है नेगेटिव की वैल्यू है सारी। साथियों ये क्या कह रहा है, 4 क्या है, 4 छोटा है x से, 4 मतलब x की वैल्यू को फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या है बहुत सारी x की वैल्यू बड़ी है, समझो 4 छोटा है हमारा। अभी साथियों हमारा 4 से बड़ी वैल्यूज क्या होंगी साथियों 5 6 7, ठीक साथियों 8, ये सारी जाती जाएंगी साथियों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम पहले लगाएंगे यहाँ पे ये अपने वाला ओपन ब्रैकेट। ठीक साथियों क्या जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 4 से कहाँ तक गया साथियों इन्फिनाइट तक गया ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इन्फिनाइट। ठीक साथियों ये हमारा साथियों क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है साथियों साथियों आप नंबर लाइन का आपको नंबर लाइन मैंने समझाने के लिए कर दी साथियों। साथियों हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 13 अभी कंप्लीट होता है साथियों, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे साथियों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं जो ये प्लेलिस्ट में चेक करिए, हमने सारी सीरीज अपलोड की है, जब तक के लिए साथियों धन्यवाद।